टेंथ क्लास यूनिट नंबर 13 फेथफुलनेस यानी वफादारी, इसका पैराग्राफ नंबर 2। द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड, यू हैव हियर द चार्ज लेवल अगेंस्ट यू, व्हाट यू हैव टू से इन योर डिफेंस। द विलजर सेड, कमांडर ऑफ द फेथफुल, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज। I was leading my beloved camel when I reached a garden and halted to rest. The camel nipped a few leaves of the hanging branch of a tree. Caliph, Khalifa, young, jawan, heard, suna, charge, ilzam, defense, difa, villager, dehati, commander of faithful, amirul mu'mineen, plead, इल्तिजा करना, गिल्टी, मुजरिम, बिलव्ड, प्यारा, रीच्ड, पहुंचा, हार्टेड, पहुंच गया या फिर भेज दिया, निप्ट, चट कर गया, हैंगिंग, लटकते हुए। द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड, खलीफा ने जवान नौजवान की तरफ देखा और कहा, यू हैव हियर द चार्ज, तुमने इल्ज़ाम सुन लिया, लेवल अगेंस्ट यू, जो तुम पर लगाया गया। खलीफा ने नौजवान की तरफ देखा और कहा, तुमने अपने खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ाम को सुन लिया है। वट यू हैव टू से, तुम्हें क्या कहना है, इन योर डिफेंस, अपने दिफा में, तुम अपने दिफा में क्या कहोगे। द विलजर सेड, देहाती ने कहा, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन, आई प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। देहाती ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। आई वॉज लेटिंग माई बिलव्ड कैमल, मैं अपने प्यारे ऊंट को लेकर जा रहा था, लेडिंग लेकर जा रहा था, बिलव्ड प्यारा कैमल ऊंट, मैं अपना प्यारा ऊंट लेकर जा रहा था। व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा अ गार्डन, एक बाग में, एंड हाल्टेड टू रेस्ट, और आराम करने के लिए गया, जब मैं एक बाग में पहुंचा और आराम करने लगा, द कैमल निप्ड, ऊंट ने खा लिए, अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्ते, ऑफ द हैंगिंग ब्रांच, एक लटकती हुई शाख के, ऑफ अ ट्री, एक दरख के, ऊंट ने दरख की शाख पर लगे चंद पत्ते तोड़ लिए। खलीफा ने नौजवान की तरफ देखा और कहा, तुमने अपने ऊपर लगा इल्जाम सुन लिया है, तुम अपने दिफा में क्या कहना चाहते हो। देहाती ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मैं अपना प्यारा ऊंट लेकर जा रहा था, जब मैं एक बाग में पहुंचा और आराम करने के लिए रुका, ऊंट ने एक दरख्त की शाख पर लगे चंद पत्ते तोड़ लिए। द ओल्ड मैन ऑन सीइंग दिस हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल विद ऑल हिज माइट, द स्टोन कॉट द कैमल ऑन द साइड ऑफ द हेड, इट रील्ड एंड फेल डाउन डेड, द कैमल वॉज वेरी डियर टू मी, I could not control my anger, so I took the same stone that had killed my dear camel and hurled it at the old man with all my strength. The stone hit the old man on the head and subsequently killed him. At this, these two young men came to me and I surrendered myself to them. Hurled, phenk diya, might, kuvat, reeled, ghuma, ya phir चक्कर खाया, डियर प्यारा, कंट्रोल काबू करना, एंगर गुस्सा, स्ट्रेंथ ताकत, सब्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पर या फिर इसके बाद सरेंडर्ड, हवाले कर दिया। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, ऑन सीइंग दिस, इसे देखकर, हर्ड अ स्टोन, एक पत्थर फेंका, एट द कैमल, ऊंट की तरफ, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ। ये देखते हुए बूढ़े ने अपनी पूरी कुव्वत से ऊंट की तरफ एक पत्थर फेंका। द स्टोन कार्ट, पत्थर लगा द कैमल ऊंट को, ऑन द साइड ऑफ द हेड, सर के एक तरफ, पत्थर ऊंट की एक साइड पर, सर की एक साइड पर लगा।
इट रील उसने चक्कर खाए एंड फेल डाउन और गिर गया डेड मुर्दा। वो लड़खड़ाया और गिरकर मर गया। द कैमल ऊंट वाज था वेरी डियर बहुत प्यारा टू मी मुझे ऊंट बहुत प्यारा था। आई कुड नॉट मैं नहीं सका कंट्रोल काबू आई कुड नॉट कंट्रोल मैं काबू नहीं कर सका माई एंगर मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर सका। सो आई टुक द सेम स्टोन लिहाजा मैंने वही पत्थर उठाया डैट एट किल्ड जिसने कत्ल कर दिया था माई डियर कैमल मेरा प्यारा ऊंट एंड हर्ल्ड इट और उसे फेंक दिया एट द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी की तरह विद ऑल माई स्ट्रेंथ अपनी पूरी कुव्वत के साथ। इसलिए मैंने वही पत्थर लिया जिसने मेरा प्यारा ऊंट मार डाला था और पूरी ताकत के साथ बूढ़े शख्स को दे मारा। द स्टोन हिट द ओल्ड मैन पत्थर बूढ़े आदमी को लगा ऑन द हेड सर पर एंड सब्सिक्वेंटली और नतीजे के तौर पर किल्ड हिम उसे मार दिया या फिर उसे कत्ल कर दिया। पत्थर बूढ़े शख्स के सर पर लगा और बाद में वो मर गया। एट दिस इस पर दीज टू यंग मैन ये दो नौजवान आदमी केम टू मी मेरे पास आए एंड आई सरेंडर्ड माई सेल्फ और मैंने अपने आप को हवाले कर दिया टू देम उनके। इस पर ये दोनों नौजवान मेरे पास आए और मैंने खुद को इनके हवाले कर दिया। ये देखकर बूढ़े शख्स ने पूरी कुव्वत से एक पत्थर ऊंट की तरफ फेंका पत्थर ऊंट के सर पर एक तरफ लगा वो लड़खड़ाया और गिरकर मर गया। मुझे ऊंट बहुत प्यारा था मैं अपने गुस्से पर काबू ना रख पाया इसलिए मैंने वही पत्थर जिसने मेरे ऊंट को मारा था को उठाया और अपनी पूरी कुव्वत से बूढ़े आदमी की तरफ फेंक दिया। पत्थर बूढ़े आदमी के सर पर लगा और नतीजे के तौर पर वो मर गया। इस पर ये दो नौजवान मेरे पास आए और मैंने खुद को इनके हवाले कर दिया।